पूरा राधार के सुबेरे दत्वन करेगा कालो। नागपुर और मुंबई को जोड़ने के लिए एक नया सड़क बनाया जा रहा है, उसका नाम रखा गया महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग। महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग, महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग। ये सड़क उस पर नहीं दिखेगा, वो एक्सप्रेसवे है और वह एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है। देखिए, जिस सड़क पर आप घुस नहीं सकते ना, उस सड़क को एक्सेस कंट्रोल कहा जाता है। जो सड़कें होती हैं वो एक्सेस कंट्रोल बनाने के लिए, सड़कें जैसे जैसे सड़क है तो एक इस साइड में जाने के लिए बना दिया, बीच में एक तो क्या दे दिया, डिवाइडर दे दिया, और इस साइड में दे दिया आने के लिए। ये हो गया आने के लिए, एक जा रहा है एक तो आ रहा है। अब ये तीन लेन का बना देगा, इस पर छः लेन का, तीन तो जाने के लिए और तीन तो आने के लिए। गंगा जी ने बेहतरीन सड़क बना दिया। इस साइड से क्या मार देता है, जाली तार मार देता है, कोई घुस नहीं सकता है, ना कोई घुस सकता है ना इसमें से कोई निकल सकता है। आई सड़क पर चलिएगा जो एक्सेस फ्री रहता है, कहीं से कोनो बकरी घुस जाएगी, कोनो आदमी साइकिल लेके चढ़ जाएगा, जहाँ तहाँ से कोनो उतर जाएगा, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। एक बार घुस गया तो कम से कम 30-40 किलोमीटर तक चलते रहिए, और कोई बड़ा सा शहर आएगा अगल बगल में तो एक हल्का सा कट दे देगा, उतर जाइए, और नीचे उस शहर वाला अपना सड़क बनाया होगा इससे जोड़ने के लिए, उसी को क्या कहते हैं एक्सप्रेसवे। तो ये सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे फिलहाल, हालांकि इससे ही बड़ा बन रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। तो ये काफ़ी बेहतरीन एक्सप्रेसवे बन रहा है, बिहार में तो अभी एक भी नहीं है एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे पे गाड़ियाँ 120 तो अलाउ रहती है, दिल्ली मुंबई पे 120 है, बाकी सब पे 100 है। सोचिए 120 अलाउ है, बिहार में देखिएगा ट्रकवा पे लिखा रहता है 40। तीन गुना पीछे हम लोग प्रति घंटे जा रहे हैं, प्रति घंटा हम लोग तीन गुना पीछे नेशनल लेवल से जा रहे हैं। सड़कें डिगा देती है किसी चीज़ के, अगर किसी राज्य का डेवलपमेंट होगा या नहीं होना, जैसे आदमी का पता करना है कैसा शरीर है तो क्या देखिएगा, कुछ नहीं, ओका ब्लड निकालिए, ब्लड यूरिन टेस्ट कराइए, काम खत्म, पूरा शरीर चेक हो जाएगा क्या है शरीर में क्या नहीं है। उसी तरह से किसी भी राज्य का डेवलपमेंट देखना है कि डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा, सड़कों पे देख के चल लीजिए। अगर किसी जगह पे 100 किलोमीटर जाने में एक घंटा से ज़्यादा लग रहा है, भूल जाइएगा वहाँ पे विकास, बिहार में 4 घंटा लगता है, 100 किलोमीटर जाने में बिहार में 4 घंटे लगते हैं, जाम हो जाएगा तो फिर 5 घंटा 6 घंटा भी लग जाए। तो ये सड़कें काफ़ी ज़रूरी होती हैं सब। एक्सप्रेसवे आगे बढ़ जाए, हालांकि नितिन गडकरी इस सब में बहुत बेहतरीन काम करते हैं, सबसे बेहतरीन मंत्री वही रहते हैं लगते हैं, नितिन गडकरी एक ग्रेट के मंत्री हैं। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत है यहाँ तक में? भोजपुरी फिल्म भले यहाँ बनती है, प्रोडक्शन उधर ही से होता है, कहाँ से, मुंबई से होता है। खैर, भोजपुरी फिल्म तो कहीं शूट हो जाता है, कोनो पार्क वर्क में उतार दिया चालू। अभी सबसे तेजी से डेवलप कर रहा है साउथ की, देख रहे हैं साउथ, और ये बॉलीवुड को हर 2 दिन पे को फिल्म निकालेगा सब, आओ फिल्म निकालेगा कंट्रोवर्सी में फंस जाएगा। भोजपुरी को तो छोड़ दो, वो तो तुम भी हीरो हो सकता है। हाँ, भोजपुरी क्या ही बताया जाएगा, भोजपुरी को इतनी अच्छी भाषा है भोजपुरी, और उसको क्या कर रहा है सर, चौपट कर रहा है सर। एजुकेशन इज वेरी नेसेसरी, बहुत जरूरी है एजुकेशन भोजपुरी में भाई, सब भोजपुरी वाला चीजें हैं, उसमें अच्छे लोग भी पिसा जाते हैं भोजपुरी में। भोजपुरी को इस तरह से दिखाया जा रहा है ना फिल्मों में कि भोजपुरी वाले लोग गंवा रहे हैं, अरे भाई भोजपुरी के लोग एक से एक डीएम एसपी कमिश्नर कलेक्टर बन के बैठे हैं, उसे भी दिखाओ फिल्म में। नहीं, ये नहीं हो सकता है, कभी भोजपुरी फिल्म में भी तो ऐसी भी हो सकती है, ऑफिस में जा रहा है तो इंग्लिश बोल रहा है, बाहर में बिजनेस मीटिंग में हिंदी बोल रहा है, घर में आया तो पूरी बोल रहा है ना, पूरा रगड़ के सुबेरे दत्वन करेगा कालो। भोजपुरी काफी मतलब अच्छी भाषा है, इसको चौपट करके रखा है सभी सब नीचे वाला। मैथिली भाषा को देखिए, बहुत प्यारी भाषा है। तो ये जगह कौन सा हो गया, महाराष्ट्र फिल्मी, वो नहीं, सारी चीज़ें कहाँ चली गई, मुंबई में, महाराष्ट्र के मुंबई, बहुत बेहतरीन शहर है मुंबई। और इस साइड में कौन है, नागपुर, नासिक का अंगूर भी फेमस है और प्याज भी, अगर नासिक से प्याज आने में देर हो जाता है या कभी वहाँ पे पैदावार कम हो जाता है तो भारत के अन्य जगहों पर प्याज चिकन से महंगा हो जाता है।
समझ में आ जाता है कि नहीं? 200 रुपया का भी प्याज चला जाता है, महंगाई क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा चला जाता है। लेकिन समस्या इस बात का नहीं है कि 200 चला जाता है, समस्या ये है कि किसान को तब भी फायदा नहीं होता है। होता है ना कि एक अगर 200 रुपया हो रहा है तो किसान को तो कमा के लाल हो जाना चाहिए प्याज जैसा, नहीं हो पाता, बीच वाला कमा लेता है सब। ग्रेप्स एंड ओनियन, वाह, ग्रेप्स एंड ओनियन बोल रहा है, प्याज और अंगूर के, अंगूर को सुखा देते हैं तो क्या बन जाता है, क्या बोला है, दवाई है, दवाई किशमिश बन जाता है, क्या बन जाता है, तो ड्राई फ्रूट में आ जाता है, फूल फ्रूट को सुखा दीजिए तो ड्राई फ्रूट क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता, सूख जाता है ड्राई फ्रूट। तो ये जगह समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सबको मिल गया, पहुंचो गधा कहाँ है, नासिक, नासिक मिल गया।